أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخره وذكر الله كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته बेहमदिल्ला तला रब की खास तोफ़ी और अकैद वह सल्ह वसलम की नज़र करम से एक बार फिर हम इरफानल्हिता यूके के प्लेटफॉर्म से सरतर सीरीज के तीसरे सीजन में हाजिर हैं सरतरसूल सल्हस का हर कोशा आपकी हयात मुबारका के हर पहलू का जब तक मुताना ना किया जाए तब तक हम हजूर सल्ह वसलम की पाकिजा हयात और आपके किरदार की अजमत से वाकिफ नहीं हो सकते और हमारे दिलों में आपकी वो अजमत और मोहब्बत भी पैदा नहीं हो सकती जिसे हमने अपनी अमली जिंदगी में नमूने के तौर पर अपनाना है और अपनी अगली नस्लों में मुंतकिल करना है कोई भी निज़ाम जिंदगी उस वक्त तक वजूद में नहीं आ सकता जब तक के उसके पस मंजर में कोई वाज तस्वर असूल और जाबता मौजूद ना हो इस्लाम का मुआशी निज़ाम भी इन्ही बुनियादों और इन्हीं तस्वरत और तलिमात पर मबनी है जो हमें कुरान और सुन्नत से मैसर आते हैं उस व रसूल सल असलम ही, ही के ज़रिए हम दावत को पुरासर और अपनी शख्सियत को जाज्ब नज़र बना सकते हैं हमारी जिंदगी में जितना अकल इस्लाम के अखलाक हसना की झलक नज़र आएगी इसी कदर लोग हमारे करीब होंगे और महाप्त रसूल सल का तकाजा भी यही है कि हम देखें कि हमारी ज़िंदगी में आकल इस्लाम की किरदार की कितनी झलक नज़र आती है इन सीरीज़ का मकसद भी आकल इस्लाम की हयात मुबारक के मुख्तलिफ़ पहलुओं को जानना है पिछले दो सीजन में हमने आकल इस्लाम की विलादत आपके बचपन और आपके मक्की दौर और कई गोशों के बारे में जाना इस सीज़न थ्री में हम हजरत के बारे में जानेंगे हजरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं के हवाले से बात करेंगे और इस सीज़न में चार सेशनस होंगे जिनके उनवानात ये हैं हिजरते मदीना इनकलाब मुस्तफ़ी का आगाज़ क़ुरानी फ़लसा इनकलाब पैगम्बर इनकलाब शाहरा हिजरत पर कारवान हिजरत और यसरब की बस्ती तो आज का सेशन जो पहला सेशन है इसमें हम हिजरते मदीना इनकलाब मुस्तफ़ी का आगाज़ के बारे में जानेंगे इसको हमने कुछ हिस्सों में इस तरह से तरतीब दिया है कि पहले हम हिजरत का माना व मफहम जानेंगे फिर हम तारीख़ अम्बिया में हिजरत का सफ़र इसके बारे में थोड़ा सा मुख्तरा बात करेंगे और हिजरत के फजाइल कुरान की रोशनी में और हिजरत के फ़ायल हदीस की रोशनी में इसके अलावा महाजरीन और अंसार की फजीलत के बारे में भी जानेंगे और इन सीरीज़ की तैयारी सैदी जोशेम डॉ मोहम्मद ताहरूक की तसनीफ़ सरतुल तो रसूल जो कि दस जल्दों पर मुश्तमिल है उनसे जो है हम तैयारी करते हैं और इस सीज़न की तैयारी हमने उनकी जिल चारम और पंजम से की है तो आज के सेशन का आगाज करते हैं हिजरत के लफ्स को देखते हैं कि इसका मादा क्या है हिज हा चेम रॉ इसका मादा है रूट वर्ड है और इसके मुख्तलिफ मसाद आते हैं जैसे हजरन हिजरानन हजूरन वगैरह तो इसका माना दूर कर देना छोड़ देना तरके वतन करना किनारा कश होना और अलग होना की है हाजिर इसमें फाइल कसीगा जिसने तरके वतन किया और हिजरत का जो माना मफहम आप ये देखें कि एक जमीन से जब हम दूसरी तरफ निकलते हैं कभी रिस्क के पीछे कभी किसी और वजह से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना भी हिजरत कहलाता है यानी एक शहर से दूसरे शहर एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ तो अगर यह अमल अल्लाह ताला के कुर्क के हसूल के लिए हो तो ये हिजरत शरैया कहलाएगी और महाजरीन का नाम महाजिर इसलिए रखा कि उन्होंने अल्लाह ताला की खातिर अपने शहरों को घरों को अपनी रिहायश गाहों को छोड़ दिया था जिनमें वो पैदा हुए थे पले बड़े थे अंदाजा लगाएं कि जब उन्होंने मदीना की तरफ हिजरत की तो वो एक ऐसे, ऐसे शहर में चले गए जहां पहले से ना तो उनका कोई अहले खाना था ना कोई दोस्त ना कोई माल ना कोई घर -बार। तो वो है जिसने हजूर नबीम के साथ हिजरत की या आपकी तरफ आपकी संगत हासिल करने की खातिर हिजरत की कुरान करीम में भी लफ्ज़ हिजरत को तरके वतन के मानों में इस्तेमाल किया गया है शादी बारी तला है रजीम आमनू हाजरू फी रहीम। के बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह के लिए वतन छोड़ा और अल्लाह की राह में जहाद किया यही लोग अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं तो फलस मदीना इस्लामी तमदन की वो खशते अव्वल है जिस पर इस्लामी तहजीब सकाफत की अज़ीम शान कसर की बुनियादें उठाई गई हैं हजरत मदीना हयात तयबा के मक्की और मदनी दौर के दरमियान एक ऐसे नफ्सियाती रबते की हैसियत रखती है कि जिस रबे के बग़ैर मुसलमानों को वह अज़मत और शवकत हासिल नहीं हो सकती थी हिजरत को अह दानिश ने कुफर और इस्लाम के दरमियान मीनार नूर से ताबीर किया है तो हजरत हाँ, की ज़रूरत क्यों पेश आई जब हम देखते हैं कि हजरत मदीना तहरीक इस्लामी के सफर का एक अहम तरीन मोड़ एक एक इम्तिहान था मुसलमानों पर अरसा तंग कर दिया गया था और वो वतन से बेवतन होकर रह गए थे कुफारो मुशरिकीन ने मक्का की वादिय करम को हक के लिए वाद जबर में तब्दील कर रखा था जब मक्का में इस्लामी तहरीक के मजीद नतीजा खेज होने का कोई इम्कान बाकी ना बचा तो मुसलमानों को हिजरत मदीना का हुक्म मिला और हजूर सल्हसम की हमत अमली ये थी कि यसरफ की सरजमीन को अपना हेडकोर्टर बनाकर मुसलमानों की कुत को इकट्ठा किया जाए हिजरत मदीना दरअसल सुबह इनकलाब के मुकफल दरवाजों पर पहली दस्तक है एलान नबूत के साथ रोशनी के उस सफर का आगाज हो चुका था जिस सफर के आगाज से पहले गार ही के की मुकदस और मातर खलबतों में ईमान की कंदील लफ्स इकरा से रोशन हुई थी हजरत मदीना इनकलाब मुस्तफ़ी के मरला तहरीक में दाखिल होने का नुकतः आगाज साबित हुई और उस अजीम तहरीक के वलिन मरला दावत का आगाज़ तो जबलबो कबैस पर अपनी सदाकत मानत दयानत अजमत बुलंदी या फिक्र किरदार की हर तरफ से गवाही लेकर हुआ। इस्लाम का यह पैगाम कोई नया पैगाम नहीं था हर दौर में अल्लाह तला के पैगम्बर इंसानों की तरफ मबूस होते रहे और मुस्लिम हक का नाम है उमत मुसलमा हर नबी की उम्मत को यही नाम दिया गया है यह तो तोदी मिशन कभी इब्राहिमी तहरीक की शक्ल में सामने आया तो कभी मिशन मूसवी तहरीक इंकलाब के नाम पर कामयाबी के झंडे गाड़ता रहा कभी ये सिफकातुल्ला कभी याकूबी और यूसवी पैरहन में दिखाई दिया तो कुरानी फलसा कहें कुरानी फलसफा इनकलाब या मुस्तफ़ी मिनहाज इंकलाब दोनों असलन एक ही चीज के दो मुख्तलिफ नाम हैं मिनजल कुरान कुरान का रास्ता वही रास्ता है जिस पर चलकर मुस्तफ़ी इनकलाब की मंजिल का हसूल मुमकिन है हिजरत की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी खुद तारीख है इंसानी अगर हम तारीख के पिछले औरक पर नजर डालें अपने आप को उस दौर में ले जाए जब से आदम का जन्नत से निकलना और ज़मीन पर आबाद होना यह तमाम वाक़ भी एक अजीम हिजरत का नतीजा था कोया कि इस क़ुर अर्ज़ पर इंसानी तहजीब का नुकता आग़ास ही हिजरत थी तारीख हमें बताती है कि तकरीबन तहरीक इस्लामी हर दौर में मरला हिजरत से गुजरी है आदम आदम्सम ले से लेकर आकल इस्लाम तक तमाम अम्बिया ने मसायब हजरत बर्दाश किए अब हम चंद अम्बिया के सपर हिजरत का तस्करा करते हैं हयात इंसानी का आगाज़ ही सफर हिजरत से हुआ जब हजरत आदम आदमी जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए और काबातुल्ला के करीब हजरत हवा से मिले काबा की पहली तमीर फरिश्तों के हाथों मुकम्मल हुई और आदम आदमी ने यही सकूनत इख्तियार की फिर यह नस्ल बढ़ी फैली और हिजरत करके तमाम आलम में आबाद हो गई आदमी की हिजरत ये एक तारीखी सच्चाई है कि सफर इंसानी का आगाज़ ही सफ़र हिजरत से हुआ जन्नत से ज़मीन पर आदम की आमद का इनाते इंसानी की पहली हिजरत है उनकी इस हिजरत ने पनो इंसान को वजूद बख्शा ये हजरत खुदा वंदी के तहत अमल में आई गोया मशीत ऐसी भी ये थी कि दुनिया का पहला इंसान हिजरत की सौबत बर्दाश्त करके इंसानी मुशरे की बुनियाद रखे हज़रत जरतम ने मशीत मुताबिक नकल मकानी के तकाजे पूरे किए और इंसानी तमदन कीजरतम की, रखी। आदम की ये हिजरत जन्नत से निकलकर इस मकाम पर सुकूनत इख्तियार करने से इबारत है जिस मकाम के लिए उन्हें पैदा किया गया था जिन्हें उन्हें खिलाफत अर्धिया नसीब होने वाली थी तो यहां पर यह बात काबिल गलाफत ते आदम को हज़रत आदम की अज़मत और बनी न इंसान की रिफत व तकरीम से ताबीर किया गया उस खिलाफत के अहकाम का अमली इजरा हज़रत आदम सलाम की हिजरत से हुआ तो सच तो यह है कि बनो आदम की आजमत अजमत और रिफत और इज़्ज़त और तकरीम का अमली नुकत आगाज जहां से उनके कमाल की तरफ सफ़र शुरू हुआ वह आदमी की जन्नत से ज़मीन की तरफ हजरत है और ये इंसान की अमली जिंदगी में दर्जात अहवाल की तब्दीली और का आगाज है यानी हजरत आदम इस्लाम की हिजरत हजरत अहमियत की हामिल है ये उसी इस्लामी इनकलाब का नुकतः आगाज है जिसके इंतहा वो मुस्तफ़ी इंकलाब है जिसका आगाज फारान की चोटियों पर रिश्त हिदायत के आफ्ताब के तलु के साथ हुआ था फिर जन तो देखे तो उनके उन्होंने साढ़े नौ सौ साल तकरीबन साढ़े नौ सौ साल तक तबलीग की लेकिन उनकी कौम हक बात सुनने को तैयार ही ना थी तो नूह नूसम की दुआ से अल्लाह ताला ने फिर उनको हिजरत का हुक्म दिया कश्ती तैयार करने का हुक्म दिया और तूफान से आगाह किया जो आने वाला है जो हर शय को बहाकर ले जाएगा हर चीज़ फना हो जाएगी और कुफार और मशर्क का नामो निशान तक मिट जाएगा सिवाय उन चंद अहले ईमान के जिन्हें नूल इस्लाम की कश्ती में सवार होने का हुक्म दिया गया था तो इस तरह वो तूफान हर एक चीज बहाकर ले गया और नूल इस्लाम की तकरीबन नौ सौ साल से जायद मेहनत के बाद तकरीबन चालीस अफराद को आप साथ लेकर को जोधी पर उतरे तो नूल इस्लाम की हिजरत अजली मार्का हक को बातिल के लिए बातिल की तबाही और हक की अब्दी निजात का बास बनी हुआ इस्लाम की कौम को भी देखे वो बुत बुतपुरस्त थी आपकी दावते हक को कबूल करने की बजाय आपके खिलाफ साजिशें करने लगे लेकिन आप अपने उसी जज्बे के साथ खलूस के साथ दावत का काम करते रहे फिर वो वक्त भी आ गया हक और बातिल के दरमियान फैसला हो जाए तो आपने उसका रियाई जबर से रखते सफर बांधा और हिजरत का फरीजा अदा किया आपकी कौम पर उनके नाफरमानियों की वजह से ठंडी हवा का अजाब आया जिसने उन्हें हलाक करके रख दिया तो हजरत सलाम ने मुकाम अजाब से हजर मौत की तरफ हिजरत की सालेल ने भी अपनी मिशन की तकमील के लिए सफर हिजरत अख्तिया किया आप को मैं की तरफ भेजे गए थे। जब आपकी तबलीग का उन पर कोई असर ना हुआ उन्होंने उल्टा पहाड़ से उठने निकालने का मुतालबा किया जो कि आपने पूरा किया और फिर उन्होंने सूटनी को कत्ल कर दिया जिस पर उन पर अजाब इलाही तीन दिनों के अंदर नाजिल हुआ पहले उनके चेहरे जार फिर सुर्ख फिर स्या पड़ गए और फिर दिल दहला देने वाली चीख और जल्जले ने उन्हें हलाक कर दिया इस तरह सलाम साल, ने अहले हक के साथ शाम की तरफ हिजत फरमाई और फिर आप तकमील मिशन के बाद मक्का तशरीफ ले गए फिर इब्राहिम आदश नमरूद में बेखतर कूदने की रिवायत अम्बिया कराम की सुन्नत है अहिल हक ने हर दौर में और हर आहद में इसे जिंदा रखा है बिलाहर फतेह हक की होती है जरत बब्राहिम से जिन्होंने फरीजा हजरत अदा किया बल्कि वह मुख्तलि औकात में मुसलसल हालत हजरत में रहे उनकी पैदाइश इराक़ में हुई और आपका नसब मुबारक हजरत नू असलाम से जा मिलता है नमरूद जिसने खुदाई का दावा किया था उनकी कौम पुतप्रस्त थी आपकी दावते हक को उन्होंने कबूल ना किया बल्कि अपने बुतों की मदद करने और उन्होंने जो इब्राहिम सलाम ने उनके बुतों को मौका पा कर जब तोड़ा और सबसे बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी डाल दी और जब वो आए पूछा कि ये काम किसने किया तो आपने फरमाया कि इन्हीं से पूछ लो तो वो कहने लगे ये तो बोलते नहीं तो आपने फरमाया तुम उन बुतों की पूजा करते हो कि जो बोल भी नहीं सकते जो अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते तो बजाय इसके कि वो इससे कुछ सबक हासिल करते उन्होंने इब्राहिम को ही दावते हक देने वाले को ही खत्म कर देने का फैसला कर लिया और फिर क्या हुआ बेखतर कूद पड़ा आदश इश्क जिन्हें अपने निसब्न की सच्चाई का यकीन होता है वो दीवाने इब्तला आजमाइश के हर मरहले से गुजर जाते हैं हजरत इब्राहिम का भी बहुत बड़ा इम्तहान था लेकिन इश्क आदश नमरूद में बेखतर कूद पड़ा अल्लाह तला ने आग को ठंडा और सलामती वाला बना दिया आग के शोले आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके फिर हजरत इब्राहिम आपकी होने वाली अहलिया सारा और भतीजे लूतम जो ईमान ला चुके थे आप ने यहाँ से हिजरत फरमायी क्योंकि फरोग दीन का बुनियादी पत्थर यही हिजरत का दरवाजा है क्योंकि आपने लूत इस्लाम को भी उनकी जगह पहुंचाना था और इसमायल असल्लाम जो कि अभी पैदा भी नहीं हुए थे उनके मुकाम तक उन्हें भी पहुंचाना था आपने कोसी से हर्रान और वहा से उर्दन फिर मिसर और फिर फलस्तीन हिजरत फरमाई और आपकी आखिरी हिजरत मक्का की तरफ थी जहाँ आपने हजरत हाजरा रदी और को उस पर आबोग्या इलाके में छोड़ा था हजरत यूसुफा देखे उनकी बात की जाए तो पता चलता है कि जिस पर भी अल्लाह का एहसान हो फजल नहमत जिससे नसीब हो जाए तो उसके हास भी पैदा हो जाते हैं तो हजरत यूसफ्लाम जो है उनसे भी यही उनके साथ भी यही मामला हुआ कि आपको और आपकी वालदा माजदा को हदीस रसूल वसल्लम के मजदाक दुनिया का निसफ हुसन मिला था और फिर नबूवत की अपनी खसूसियत और वकार होता है इन सब बातों ने मिलकर हजरत यूसुफ़ यूसुफा को बेहद काबिल अहतराम बना दिया था और आप अपने वाल हजरत याकूब के लाडले और महबूब बेटे भी थे आपको ख्वाब में आपने जो चांद सूरज और ग्यारह सितारों को देखा कि आपको सजदा कर रहे हैं और अपने वालिद से ये ख्वाब बयान फरमाया तो आपने अपने भाइयों से इसे जिक्र ना करने का कहा लेकिन भाइयों को पता चल गया हसद की वजह से उन्होंने आपको कत्ल करने का इरादा किया लेकिन फिर एक गहरे कुएं में बड़ा भाई था जो ये उसके मशवरे पर एक गहरे कुएं में फेंक दिया फिर एक काफिला उधर से गुजरा उन्होंने आपको निकाला कहते हैं तीन दिन आप उस कुएं में रहे और अल्लाह ताला ने फरिश्ते के जरिए आपको तसल्ली दी और जब एक काफिला आया और उन्होंने उसको निकाला वहां से तो उनके भाई पहुंच के और उन्हें अपना भकोड़ा गुलाम कह के बहुत ही कम दिरहमों में कम दामों में उनके हाथों बेच दिया और वो काफिला फिर मिस्र पहुंचा जहां मिस्र का वजीर खजाना आपको अपने घर ले गया और इस तरह आपको बाज़त मुकाम दिया बहुत यानी आप मरलों से गुजरे जुलेखा का वाक्य आपका कैद में बंद रहना और फिर कई बरसों के बाद मिस्र के हमे पर फायज होना इस तरह तजर यूसफिला को बेहतरीन ठिकाना ताफरमाया तो यूसुफ़ यूसफिला की यह हिजरत जिस कदर अनोखी थी इसी कदर अहम भी थी जो कि गलबा हक हाँ का पेश खैमा साबित हुई फिर मुसलम की बात करें तो आप अरब्लाब की अजली कदर पैगम्बर थे आपकी पूरी जिंदगी एक पुरजोश इनकलाबी की जिंदगी है आप अकलीम रसालत का एक इनकलाबी किरदार हैं जिनकी जिदोजहद मुसाफरान राह हक के लिए आज भी मीनार नूर की हैसियत रखती है सैन्य जदुल्बिया हजरत इब्राहिम की तरह हर ालिम और जाबिर और सरकश के सामने बेखतर आदेश नमरूद में कूद जाते हैं आप बिलाफ व जाबिर हुक्मरानों के सामने कलमाए हक अदा करते हुए नजर आते हैं फिर ओन के वहशत बरबरीत हो या हामान का मकरो फरेब कारून का तकबर और नकवतों या सामरी का कुफरहादनशाह वक्त का फलक पोस महल या सीना का रेगजार अल्लाह का ये बेबाक निडर सिपाही हर जगह खुद की हर जगह खुदा की वाह नियत के डंके बजाता नजर आता है सिनाम ने वक्त के जाबिर हुक्मरान की आंखों में आंखें डालकर उन्हें ललकारा और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए मसायब आलाम को गवार अजीम मिशन की तकमील के लिए अपना घर बार छोड़ा वतन से बवतन हुए सफरे हिजरत इख्तियार किया और वतन से दूर दशत ब्याबाँ को अपना ठिकाना बनाया और अपनी कौम के जवानों को एक अजीम इनकलाब के लिए तरबियत के मरहले से गुजारा जीना मुसीम ने अपने मिशन शरीय और मकसद बेसत के अतबार से और अपने इनकलाबी जिदोजहद के मजाज के लिहाज से सरब्र काय नबी आखिर सल्म से सबसे ज्यादा मुशाहत रखने वाले हैं आप सदना इब्राहिम की तरह कसिरुल हजरत भी हैं और पैगम्बर इनकलाब भी हैं आपकी हिजरत के तीन मकासद थे बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी और महकूमी से निजात दिलाना और उस नई और आज़ाद ममलकत में मसवी नज़ाम शरीय कायम करना हिजरत मदीना के भी कमोबेश यही मकासद थे कि मुसलमानों को कुफार के मुसालिम से मुसलमानों की एक आजाद कायम हो मुल इस्लाम की पहली हिजरत शीर खारगी के आलम में बन इसराइल के महल से फिरौन के महल में थी और फिर आपकी दूसरी हिजरत शहर फिरौन से मधियन की तरफ थी और तीसरी हिजरत बन इसराइल के साथ वाद्य सीना की तरफ वहां से उनकी अगली और असल मंजिल अर्ज फल थी मुसल इस्लाम और उनकी कौम की असल मंजिल फलस्तान थी लेकिन उनकी कौम ने जहाद से इनकार किया और उनकी सरकशी पर यह सजा दी कि 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 चालीस के लिए अर्जे पर में परेशान हाल फिरते रहे मुसलम अल्लाह के अजीम नबी हैं खुदा के साथ हम कलामी का शर्फ भी हासिल हुआ आपने सफर हिजरत भी इख्तियार किया और लाखों इसराइलियों को जाबिर हुक्मरानों से निजात दिलाई और सहराय सीना में अगली नस्लों की तरबियत करके उन्हें इस काबिल बनाया कि वह युषा बन की में जालिम से छीन सकें। हजूर को कुल जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है आपकी रसालत ना किसी जगराफियाई सरहदों की पाबंद है और ना ही किसी मखसूस ग्रोह या जमाने के साथ मखसूस है दिगर अंबिया अपने इनके वाकयात अभी मुख्तसरन बयान किए कि वो मुख्तलिफ अतवार में मखसूस कौमों की तरफ आते रहे नबी आखर अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले जो अंबिया कराम आए तो उनकी दावत का काम सिर्फ अपनी मखसूस अकवाम और अपने मखसूस जमाने तक महदूद होता था लेकिन जब नबी आखर उज्मां मबू सत तो फितरत के पुराने असूल बदल दिए गए हदूद जमाना भी उठा लेंगी और हदूद मकाम भी तोड़ दी गई और अब तक के लिए इंसान की रहनमाई का अहमाम कर दिया गया है हमने तुम्हें भेजा इंसानों की तरफ बतौर बशीर खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला आकदो जहाँ अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तमाम कायनात हस्तबूद की तरफ भेजा गया हूँ क्योंकि हजूर सल्लाम का लाया हुआ आफा की नजमा, नज, जाम की हदूद से मावरा है इसलिए हजूर वसल्लम की उम्मत पर भी लाजिम हुआ कि वह कुर्र अर्जी के हर खत हर कौम और हर मुल्क में यह पैगाम पहुंचाए और फरोग दीन के लिए अपने हद के तकाजों के मुताबिक सरकर में अमल रहे और यह फरीजा जो है वो अंजाम दे उमत मुसलमा को हिजरत का हुक्म हुआ और अर्दुल्ला वास का दर्श दिया गया निसा में है कि आलम तक उन अरबुल्ला वासी आयतन फतः रूफी कि अल्लाह की जमीन वसी नहीं थी कि तुम इसमें हिजरत कर सको इशात इस्लाम में हिजरत का एक अपना किरदार है इसके बगैर फरोगे दीन का काम आलमी सतह पर मुमकिन ही नहीं ये सारा काम फलसफा हिजरत की अमली तोजी के बगैर न कल मुमकिन था और न आज मुमकिन है हिजरत मदीना की सकाफती और तारीखी अहमियत का अंदाजा इस अमर से बखूबी लगाया जा सकता है कि मुसलमानों ने अपने कैलेंडर ईयर का आगाज ही इस अजीम वाक्य से किया इसलिए कि हिजरत मदीना इज्ती शोर का एक ऐसा आईना है जिसमें इस्लामी रियासत के क्याम के इमकान ही रोशन नजर नहीं आते बल्कि एक इज्तमाही नज़ाम भी तश्कील पाता हुआ दिखाई देता है हिजरत से आजमाइशों के एक नए दौर का आगाज हुआ महाजरीन को पनाह देना पूरे आलम अरब की इजतमाई जारहत को दावत देने के मुतरद था यसरफ की फजा मक्का की नस्बत तहरीक इस्लामी के लिए साजगार साबित हुई और हबशा के बाद यसरप को दूसरा दारुल हिजरत करार देकर हजूर सल्लास का खुद भी सफर हिजरत फरमाना अपने आबाई वतन को छोड़ना और मुसलमानों को हिजरत का हुक्म देना इस्लामी तारीख का एक बहुत अहम वाक़ है करीम ने करम ने कई मकाम पर फजायल हजरत बयान किए हैं। कुरान मजीद ने हजरत की अहमियत को वाज किया है कुरान मजीद ने हजरत को अह ईमान के लिए इम्तियाजी आज़ाज करार दिया है और वाज अल्फाज में बयान कर दिया कि मुनाफिक हरगिज़ अहल ईमान की दोस्ती के लायक नहीं और ईमान की दोस्ती के हकदार सिर्फ ईमान वाले ही हो सकते हैं और ऐसे लोगों के ईमान को परखने के लिए हिजरत को कसौटी करार दिया गया और अगर ये अल्लाह की राह में हिजरत के मरहले से गुजरे तो उन पर इतमाद किया जा सकता है यानी के हिजरत के बाद वो लोग अहले ईमान तबर तो किए जाएंगे हिजरत ईमान और नफाक के दरम्यान हद फासिल है हिजरत इस्लामी खुवत तो जहाद की भी बुनियाद है हजूर सल्लाम की हिजरत के बाद यसरफ की मजलसी जिंदगी में खुशगवार तब्दीली आई जब एक तरफ मिसाके मदीना के हवाले से शहर के दाखिली अमन को पायदार बुनियादों पर उसवार किया गया तो दूसरी तरफ खुद महाजरीन और अंसार के दरमिया इस्लामी अवत का वो लाजवाल रिश्ता कायम किया गया जो रिश्ता खून के रिश्तों से भी ज्यादा मुस्कम साबित हुआ अल्लाह तुरफ में फरमाते हैं कि बेशक वह लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और अपने अम्वाल और अपनी जानों के साथ अल्लाह की राह में जहाद किया और जिन्होंने मदद की यानी महाजरीन की वो सब एक दूसरे के दोस्त हैं कोया अल्लाह ताला ने ईमान पर हिजरत को हिजरत पर नुसरत को और मदद और नुसरत पर जिहाद को और ईमान की पुख्तगी और सच्चाई को मतरतब किया है यानी दीगर अल्फाज में महाजरीन और अंसार एक ही हैं और उनके दरमियान मवात कायम है सरा नहल मेरे शाद खुदाबंदी होता है कि फिर आपका रब उन लोगों के लिए जिन्होंने आज़माइशों और तकलीफों में मुब्तला किए जाने के बाद हिजरत की यानी अल्लाह के लिए अपने वतन छोड़ दिए फिर जहाद किए और परेशानियों पर सब्र किया तो ए हबीब मुकरम आपका रब इसके बाद बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है हक पर कायम रहना और बातिल से टकरा जाना अहल ईमान की एक बहुत बड़ी खूबी है अल्लाह तला ने तीन खसूसियात वालों के लिए बख्शिश और और दो जात का जिक्र किया है हिजरत जहाद और राहे हक में कदमी। यही तीन चीजें नजात का बास बनती हैं अवलिन दर्जाइन में से हिजरत को हासिल है सुरा अंकबूत में अर शादे बारी ताल कै मेरे बंदो जो ईमान लाए हो बेशक मेरी जमीन बहुत वसी है ताकि तुम हिजरत करके कहीं और जा सको तुम्हें अब जहां तुम्हें, तुम्हें दीन पर अमल करने में आसानी हो और सिर्फ मेरी ही इबादत करो तो हुक्म दिया जा रहा है कि जमीन के जिस हिस्से में मेरी इबादत पर पहरे बैठा दिए गए हों से हिजरत कर जाओ ऐसे हालात में जहाँ अल्लाह ताला की इबादत करना भी मुश्किल हो वहां से हिजरत करना अहले ईमान के लिए ज़रूरी हो जाता है सूरह बकरा में एक बारी ताला के बेशक वो लोग जो ईमान लाए जिन्होंने अल्लाह के लिए वतन छोड़ा और अल्लाह की राह में जिहाद किया यही लोग की रहमत के उम्मीदवार हैं और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है अल्लाह की राह में सफर हिजरत करने और और दीन की सर और की ईमान हिफाजत के लिए सफर की सऊबत बर्दाश्त करने वालों को अल्लाह इज्जत की रहमत और बख्शिश की उम्मीद दिलाई जा रही है सरा इमरान में है कि फिर उनके रब ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली यकीनन मैं तुम में से किसी मेहनत करने वाले की मजदूरी नहीं करता मर्द हो या औरत तुम सब एक दूसरे में से ही हो बस जिन लोगों ने अल्लाह के लिए वतन छोड़ दिए और अपने घरों से निकाल दिए गए और मेरी राह में सताए गए मेरी खातर लड़े और मारे गए तो मैं जरूर उनके गुनाह, उनके नामा इमान से मिटा दूंगा और यकीन उन्हें जन्नतों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी तो देखें ये अल्लाह के हजूर से अजर है और अल्लाह ही के पास इससे बेहतर अजर है इस आयत में बताया गया कि अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं कबूल करता है उनकी हाजत करता है वो किसी जाय नहीं करता अपने बंदों की मेहनत पर जोहत का सवाब जिदोजहता करता है और सर फहरिस्त इसमें हिजरत करने वालों का जिक्र है मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ ले जाने और मक्का में तकालीफ बर्दाश्त करने घरों से निकालने जाने उनकी तमाम यानी कि इस वजह से जो भी उनकी खताएं थी उनसे दरगुजर किया जा रहा है गुनाहों के फफारे का असल सबब तो हिजरत को ही करार दिया तो पता चला कि हिजरत के कितने फजाइल हैं दुनिया में कामयाबी और आखरत में भी कामरानी नसीब होती है अलगर्स बेशुमार आयात हैं, जिनमें फजाले हिजरत बयान किए गए हैं और हिजरत करने वालों के लिए आखरत में बख्शिश का वादा फरमाया सरा नाहल में भी हफ् की तरफ हिजरत करने वाले अहल ईमान की शान में आयात नाजुल हुई और कुरान पाक ने महाजरीन की जो सिफात गवाई है उनमें से एक ये भी है कि ये लोग मारका हक को बातिल में साबित कदम रहते हैं अल्लाह की मदद और नुसरत पर भरोसा करते हैं और उनके पाए इस्तिकाल में ज़रा सी भी लफ्स नहीं आती इन्हीं जैसों के लिए इलामा इकबाल ने फरमाया था यकीन महकम अमल पेहम मोहब्बत फ़ात आलम जहात जिंदगानी में हे मरदों की शमशीरें अब हदीस मुबारक की रोशनी में देखते हैं कि इस्लाम ने क्या फरमाया क्योंकि हिजरत एक जामत और महदूद अमल का नाम नहीं है यह एक मुस्बत रवैये ठोस फलसफे और एक जिंदा तहरीक का नाम है अकायद वहां सल वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया गया कि कौन सी हिजरत ज्यादा फजीलत वाली है तो आपने फरमाया जिसने हर उस काम को तर्क कर दिया जिसको अल्लाह तला ने हराम किया जर अब फातमा के बारे में इशाद फरमाते कि उन्होंने ताजदार कायना की अक्दस में अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कर्बान मुझे ऐसे अमल के बारे में इरशाद फरमाए जिस पर मैं इस्तिकामत इख्तियार करूँ तो इस पर आपने फरमाया तुम हिजरत को लाजिम पकड़ो क्यूँकी इसका बिलाशुबा कोई मसीलो नजीर नहीं तो हिजरत को लाजमन पकड़ने का हुक्म दिया जा रहा है फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हिजरत एक ऐसा अमल है जिसकी ना कोई नज़ीर है और ना कोई मसील इलाजमाइश के मराहल से गुजरे बगैर गोहरे मकसूद किसी के हाथ कभी नहीं आया हिजरत भी एक इम्तिहान है सफरे हिजरत में कदम कदम पर हौसलों को आजमाया जाता है इंसान की इस को परखा जाता है अपने वतन को खैर आबाद कहना पड़ता है अपने उस घर के दोरों दीवार को खुदा हाफिज कहना पड़ता है जहां उसके बचपन से जवानी और जवानी से लेके बुढ़ापे तक के एक एक लम्हे और एक एक साथ उसके यानी गवाह होते हैं फिक्री और रूहानी रिश्तों को खून के रिश्तों पर तरजीह देना पड़ती है अपने वाले बहन भाइयों अपने बच्चों अपने अजीजो कारिफ से नाता तोड़ एक नया जहां आबाद करना पड़ता है दोस्तियों को कुर्बान करना पड़ता है बचपन के साथियों से किनारा कशी अख्तियार करना पड़ती है और सफर हिजरत पर रवाना होते वक्त ये भी मालूम नहीं होता कि नए इलाके या नई जगह में हमें कोई जगह सर छुपाने के लिए छत पे में आएगी कि नहीं तो ये सब बातें हिजरत को एक मुश्किल अमल बना देती हैं इसीलिए हिजरत को एक कड़ी आजमाइश से ताबीर किया गया है यानी अपनी कश्तियां जलाकर कर राह हक में निकलना फिर साबित कदम रहना और हर किस्म के हालात का खंदा पेशानी से मुकाबला करना बहुत ही हिम्मत वालों का काम है हर कोई ऐसी जरूरत नहीं रखता कश्तियां जलाकर समंदर में छलांग लगाना हर किसी के बस में नहीं होता हिजरत में मसाइब मसाइल, आलाम का एक लंबा सफर तय करना पड़ता है इसीलिए हिजरत की इस कदर फजीलत बयान करके अहल ईमान को हिजरत की तरगीब दी गई है हिजरत अहल ईमान का एक गैर मामूली अमल है खूस वो हजरत जो हजूर सल अल्लाह वसलम की संगत में इख्तियार की जाए कि उस सफरे हिजरत का एक एक लम्हा दारेन का हामिल है ये दीवाना वार हिजरत वो इख्तियार कर सकते थे जो शमाय रसालत परवानों की तरह जल जाने का शौक अपने सीनों में छुपाए फिरते थे खुद हाथिय बरहक हजूर सफरे हिजरत में निकलने वाले मुसाफरान राह हक के लिए सबित कदम रहने की दुआ फरमाते हैं माम बुखारी के एक तवील हदीसर बिन, बिन, बिन वकास से रिवायत करते हैं कि हजूर वसल्लम उनकी इद्यादत के लिए तशरीफ ले गए तो ताजदारे का इनात सरमाया मेरे साथियों की हिजरत के इजरा की, की तकमील फरमा और उन्हें उल्टे पैरों न फेर लेकिन बेचारा गरीब सात बिन खोला सुनत नबी की तबाह करते हुए सल्ला के नक्शे कदम पर सफरे हिजरत इख्तियार करना बसात खुद एक बहुत बड़ी है उन्हीं रास्तों की गर्द में अपने वजूद को गुम कर देना जिन रास्तों पर आप अपने यार गार के साथ आजम सफर हुए थे हर दौर में ग़ुलाने मुस्तफ़ा सल का महबूब तरीक रहा है वह सर के बल चल के दियारे हबीब तक पहुंचते रहे कदम कदम पर अपनी अकीदतों के चिराग रोशन करते रहे शहर पैगम्बर की तरफ हिजरत का हुक्म मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अफराद के लिए मुख्तलिफ रहा है फतह मक्का से पहले जजीरा नमार बमूमी तौर पर कुफार मुशरिकीन के जेर तसल्लुत था किसी मरकजीमत का वजूद ना था यहदो नसारा कुफार मुशरिकीन सब इस्लाम दुश्मनी में अंधे हो रहे थे शदीद मखालफाना जालमाना और फासिकाना माहौल था ऐसी सूरत में मदीना मनवरा की तरफ सफरे हिजरत इख्तियार करके सुकूनत इख्तियार कर लेना वाजिब था कुछ ऐसे खिते भी थे जहां तहरीक इस्लामी की मुसाबत इतनी शदीद ना थी लेकिन फिर भी माहौल नामवाफिक था और ऐसे इलाके या खिते से हुक्म हिजरत अफराद के एतबार से कदरे मुख्तलिफ था हजरत मदीना एक तवील मनसूबा बंदी का हिस्सा थी और हिजरत हबशा इस मनसूबा बंदी की एक कड़ी थी जब दाखिल और खारजी सतह पर इस जजीरा नुमा अरब ने मुसलमानों की अस्करी बाला दस्ती और अमलन दुश्मन इस्लाम की तरफ से उसे तस्लीम किया जाने लगा तो अमलन हिजरत की जरूरत बददरीज कम होने लगी जब कुत का तोजन मुसलमानों के हक में हो गया और मुसलमानों को अरब में सियासी और हफ मिल गया तो देना की तरफ हिजरत करने की हाजिरत ना रही लिहाजा वजूब का हुकम उठा लिया गया आप ने फरमाया मक्का के बाद कोई हिजरत नहीं और एक और मुकाम पर है कि उस वक्त से हिजरत का अमल मुन हो गया जब से अल्लाह ने अपने नबी को मक्का पर फतह अता फरमाई लेकिन हम इसका मतलब आज ये नहीं ले सकते कि दुनिया के किसी खिते में अगर ग़ुलाने रसूल वसल्लम पर अरसहत तंग किया जा रहा हो उनको इबादत की अदायगी में उन प्रॉब्लम्स आ रही हों रोका जा रहा हो तो उन्हें उस करिया जबर से ये नहीं कि उन्हें हिजरत की इजाजत नहीं है इस हदीस पाक में फ़तः मक्का के बाद हिजरत मदीना का वजूब उठा लिया गया है दरअसल हिजरत एक दाइमी अमल है और शरीत मोहम्मदी सल्हलम के एन मुता है और जब जब ऐसी सूरत हाल पेश आएगी हिजरत का हुक्म भी दायमन कायम रहेगा और वो खुश किस्मत चानसाराने जिन्होंने खुशको जहां की तबाह में मर हिजरत तय किया और सरजमीन मक्का को छोड़कर मदीना मनब्रा में आबाद हुए कुरान मजीद ने उन खुश खुशबकतों को दस्तार फजीलत से नवाजा है रोजे हशर तक जितने भी काफिले कारवान इश्क की गर्द पा की तलाश में निकलेंगे उन्हें असाब रसूल की हिजरत का फैज जरूर हासिल होगा क्योंकि उन्होंने हजूर सल अल्लाहअलम के नक्शे पा को निशान मंजिल बनाकर हिजरत का सफर इख्तियार किया अब अगर हम महाजरीन और अनसार के फजाइल को देखते हैं तो कुरान मजीद में बेशुमार मकाम पर अनसार के और महाजरीन के फजाइल बयान हुए हैं तो महाजरीनोंसार वो खुशकस्मत अब जिन्होंने हजूर सल्लाम का जमाना पाया हजूर सल अलाम की नसीब हुई। जहाद में आपके साथ हिस्सा लेने का एजाज हासिल हुआ और आपकी इतबा में हजरत मदीना की तोफ़ीक मिली कुरान मजीद में अल्लाह रबालजत का उनके बारे में इर्शाद है कि बेशक वो लोग जिन्होंने अल्लाह के लिए वतन छोड़ा और अल्लाह की राह में जिहाद किया यही लोग अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है हजूर वसल्लम ने फरमाया बेशक महाजर फुकारा मालदारों से 500 साल कबल जन्नत में दाखिल होंगे एक और हदीस में फरमाया मेरे पास होश पर सबसे पहले जो लोग आएंगे वो फुकारहाजरीन होंगे इस तरह हिजरत का जिक्र अनसार की खिदमत का इतराफ़ किए बगैर मुकम्मल नहीं होता हिजरत का मरहला अनसार के भरपूर तावन और मदद के बगैर तय ही नहीं हो सकता था बैत अकबा उला बायदा अनसार में तबलीग दीन का वसीला साबित हुई नबूबत के ग्यारहवें साल में सेवेंटी थ्री तिहत्तर मुसलमानों ने हज के मौका पर अकबा के मकाम पर हजूर सल्ला वसलम के अकदस पर बैत की और आकाम से अहद किया कि हर तरह से आपकी हिफाजत फरमाएंगे इस तरह बैत अकबा सानिया में किताब हिजरत का दिपाचा तहरीर हुआ उनकी सबसे बड़ी फजीलत यह ठहरी कि वह अल्लाह के रसूल के अनसार यानी मददगार कहलाए कुरान मजीद में बेशुमार मकाम पर अनसार की फजीलत बयान की गई है कि महाजरीन और अनसार से अल्लाह राज़ी हो गया और वो उससे राजी हो गए और उसने उनके लिए जन्नतें तैयार कर रखी हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वो हमेशा इसमें रहने वाले हैं हजरत अनस रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आका सलाम ने फरमाया ईमान की अलामत अनसार से मोहब्बत है बिला शुबा अनसार महबूबान खुदा महबूबान महबूब खुदा थे और ये लाजवाल सादत अनसार के हिस्से में आई एक बार गज़वाए से वापसी पर हजूर वसल्लम ने अनसार को महातब करते हुए फरमाया क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि दुनिया की दौलत लोग ले जाए और तुम अपने घरों को रसूल खुदा के साथ लौटो बेशुमार जो है उनके अनसार के भी और महाजरीन के भी फजाइल हैं कुरान मजीद में भी अहदीस मुबारक में भी तो सफ़र हिजरत ही सफ़रे इनकलाब है और रहती दुनिया तक इनकलाबी तहरीकों के लिए मीनार नूर बना रहेगा हिजरत शरीत इस्लामिया का एक मुस्तकिली बुनियादी तस्वर है जो एक मुसलमान के अकायद उसके अमाल वफाल और किरदार का कावान बनता है और हिजरत हम यानी कि उसका जो आज हमने जो कुछ भी पढ़ा सुना इसका खुलासा हिजरत का यही चंद पॉइंट है कि हिजरत जो है मुसलमान के अकायद अमाल अफाल और किरदार कावान बनती है और हिजरत ईमान की हिफाजत का जरिया है और हक बातिल के दरमियान इम्तियाज करती है हिजरत जाहिर और बातन को नूर से मनवर करती है और फलाह की जमानत देती है दुनिया की कामयाबी और आखरत की कामरानी से हिजरत हमकनार करती है और हिजरत तारीख इंसानी का एक ऐसा रोशन बाब है इसका कायनात हस्तबूद के आखिरी दिन तक इसके फ्यूज बरकात से बनी नो इंसान फैजियाब होते रहेंगे और दावते हक का, का काम भी हिजरत के बगैर मुमकिन नहीं होता इस्लाम ने फरमाया सारी जमीन मेरे लिए सजदा गाह और पाकिजा बना दी गई है मुसलमानों ने अपने आकल इस्लाम के फरमान के मुताबिक पूरी दुनिया में दावत के काम को फैलाया मुसलमान शर्क से गर्क तक जमीन पर फैल की और दुनिया का गोशा गोशा इस्लाम की रोशनी से मनवर होने लगा इनफरादी और इजमाही सतह पर फलसफा हजरत हर दौर और हर अहद में मुसलमानों की सियासी इकतदी और सकाफती जिंदगी में इम्कान के नए नए दरवाजे खोलता रहा और आज भी इस्लामी तहरीकों का दायरा कॉर आप देख लें कि इस्लामी ममालिकक ही महदूद नहीं बल्कि यूरोप के अखिलसाओं में बेजानत देने का फरीजा अंजाम दे रहा है दुनिया के कोने कोने में इस्लाम की तालीमत फैल चुकी हैं अहिया इस्लाम का काम आलमी सतह पर हो रहा है और मगरब का बेसकून माशरा अब इस नतीजे पर पहुंचा है कि अगर दुनिया को अमन और सलामती और आफियत की तलाश है तो उसे अपने किबले का रुख मुसलमानों के किबले की तरफ मोड़ कर तहलीज मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम पर झुक जाना होगा हजूर सल असलम से रिश्ता उसवार करके दुनिया के बेसुकून माशरों को दायमी अमन से हमकन किया जा सकता है और यही काम तहरीक कुरान अदा कर रही है उमत मुस्लिमा पर भी यही जिम्मेदारी आयद होती है कि वो सिर्फ इस्लाम का पैगाम पहुंचाने पर ही इक्तफा ना करें बल्कि जहां जाए वहां अपने किरदार की खुशबू भी लेकर जाए इस्लामी तालीमत का अमली नमूना बनकर कर दिखाएं दावत के साथ तरबियत का फरीज़ा भी अंजाम दें अल्लाह ताला हमको ऐसा करने की तोफ़ीकता फ़रमाए और आके दो जहाँ सल्लल्लाहु अल्लाह वसल्लम की तलीमत के साथ जुड़ने की उनकी सीरत को उनके जो भी आज हमने पढ़ा इस पर अमल करने की तोफ़ी तरमाए और दीन की सरबुलंदी के लिए हमें भी अल्लाह तकाम फरमाए इन अगले हफ्ते दूसरे सेशन में आप एक नए टॉपिक को सुनेंगे तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु